हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इंडसइंड टावर लिमिटेड। ये जो स्टॉक अभी न्यूज में है, वोडाफोन आइडिया का जो ओएफएस हुआ 20,000 करोड़ का, उसको भी गवर्नमेंट ने अच्छे से सपोर्ट किया। लगभग 5 गुना से ज्यादा वो और सब्सक्राइब हुआ था, और इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट इंडसइंड टावर लिमिटेड को होने वाला है। तो इसका फंडामेंटल और टेक्निकल पिक्चर पूरी हम बात करेंगे, और अभी जो प्राइस पे यहाँ से आगे क्या टारगेट हमें मिल सकते उसकी पूरी बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या पैटर्न बना। टेक्निकल की अगर आप बात करते हो, मंथली चार्ट में लिया हुआ है। लास्ट में जब अभी देखो, जब इनिशियली यहाँ पे जो आईपीओ आया होगा वह उसके बाद लगभग 150 130 के नियर अबाउट था। वहां से वन वे रैली उसने किया था और लगभग 500 तक गया था, लेकिन उसके बाद 2015 के बाद बिल्कुल साइडवेज था। और कब बात करके साइडवेज और नीचे ही गिर रहा था। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज अभी क्या हुआ है, देखो कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। आपको यहाँ पे मैं देखो एक लाइन ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे ये जो रजिस्टर है, यहाँ पे ये दोनों का मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, और इसका यूज करके हम एक चीज देखेंगे। ओके देखो, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली ये पैटर्न क्रिएट हुआ है। यहाँ पे डबल बॉटम हो रहा है और इसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट होने का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट आ रहा है, देखो ये कंप्लीटली ये जो ऊपर 2 बार रेजिस्टेंस ले रहा था उसको मार्केट क्रॉस कर रहा है। इसका एडवांटेज क्या है कि ये जितना भी डेप्थ मार्केट ने यहाँ पे यहाँ पर बनाया हुआ है, यहां से ऊपर कितना जाएगा तो जितना ये डेप्थ है इतना ही ऊपर को यहां से ऊपर जाने वाला है। ये इतना पकड़ के चलो। तो अभी हम काउंट कर लेते हैं। अभी ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अभी हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि इसको कैसे करना है। देखो आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा लगभग यहां से, ये दोनों लाइन में आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, तो लगभग इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं। यस, तो 120 से लेके 300 समथिंग का ये रेंज है। सपोज दैट 330 पकड़ लेते हैं हम, तो नियर अबाउट 200 पॉइंट का रेंज है। तो यहां से जब ये 330 से स्टार्ट करेगा तो ऊपर के साइड मिनिमम 200 पॉइंट के टारगेट मिलेंगे, मतलब 430 530, मतलब प्रीवियस हाई जो मार्केट का है, इसने जो ये प्रीवियस हाई बना के रखा हुआ है, मिनिमम वहां पे आपको ये मिलेगा स्टॉक। अगले कम से कम 6 महीना 1 साल ज्यादा से ज्यादा लग सकता है, ये टारगेट को आपको मिल सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्लानिंग करना है। ये टेक्निकल पिक्चर मैंने आपको बता दिया, और एक पैटर्न में जो फॉलो करता हूँ उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब लगभग 2017 में जो ये डाउन में आया था, पहले साइडवेज मूवमेंट किया 15 से थोड़ा, उसके बाद यहाँ पे डाउन दिखाया कंटिन्यूअसली। यहाँ पे अभी तक ये कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड था, और यहाँ पे अभी लास्ट मंथ से इसमें ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ। तो ये इंडिकेशन था, क्लियरली बाइंग दिख रहा था, उसका कंफर्मेशन भी मिला हुआ है, एक अच्छा सा पैटर्न भी क्रिएट हुआ है। तो यहां से 330 340 350 जो भी रेट मिल रहा है आप यहाँ पे खरीदेंगे, और मिनिमम 500 के टारगेट के लिए आपको इंडसइंड टावर, पहले तो न्यूज भी सपोर्ट कर रहा है, फंडामेंटल सपोर्ट कर रहा है और टेक्निकल भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये पूरा प्रोसेस है। हाँ जरूर, हमेशा आप कोई भी स्टॉक लेते हो, कोई भी ट्रेड लेते हो, तो खुद का इंडिपेंडेंट रिसर्च जरूर करेंगे। यहाँ पे मैं जो भी बात करता हूँ वो एजुकेशनल पर्पज के लिए करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप बात ये करते हो, सपोज दैट यहाँ पे इसका थोड़ा फंडामेंटल देखना तो वो भी आप देख लेंगे, तो पता चलेगा आपको। यहाँ पे मैं इसका पहले आपको चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। यस, तो देखो कंपनी अच्छा है, बढ़िया है। कंपनी का अर्निंग पे मैं बात करूंगा, पहले कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, उसके बाद यहाँ पे 2022 के बाद हर क्वार्टर की बात करेंगे तो अर्निंग उसका देखो गिरते 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 ईपीएस 10 रुपए तक हो गया। लेकिन उसके बाद लास्ट ईयर जो 23 का बहुत अच्छा था, कंपनी अच्छे से ईपीएस बढ़ा रही है, और अभी करंटली ईपीएस 20 रुपए तक चला गया। तो अर्निंग पर शेयर अच्छा है, प्राइस बढ़ेगा। और देखो हमेशा अगर ये मोमेंटम आ रहा है वो टिकेगा कब, तो ये अगर देखना है तो कंपनी का प्रॉफिट अल्टीमेटली अर्निंग बढ़ना चाहिए, पर शेयर्स का प्रॉफिट अगर कंपनी के पास आ रहा है तो जरूर ये प्राइस आगे और सस्टेन करेगा, और यहाँ से अगले टारगेट भी मिलेंगे। अभी यहाँ से पहले 500 के टारगेट की बात करते हैं, एक बार वो मिल जाता है तो फिर आगे क्या होगा उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तक
चैनल पे नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।